What's up guys, welcome in the Tech Queen channel. So humne dekha abhi tak what is a string buffer class, what is the difference between string and string buffer class. So aaj hum baat karenge string buffer ke kuch methods ki. So let us start with the append method. So agar aapne concat method use kiya hai string ke andar, so same iska use hai jo append ka string buffer ke andar hai, ki ye concat karta hai do strings ko. ओके सो यहाँ पर इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस बी. ओके और यहाँ पर मैं इसके लिटरल में दे रही हूँ, यहाँ पर एक लिटरल दे रही हूँ हेलो, और मैं अपेंड मेथड को कॉल कर रही हूँ. ठीक है, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने अपेंड मेथड को कॉल किया और यहाँ पर मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट जावा दे दिया. ओके सो अब जो चेंज होगा वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में होगा इस एस बी के अंदर. अब जब मैंने इसको प्रिंट करवाया सो यू कैन सी अवर आउटपुट, द आउटपुट इज़ लाइक दैट. ओके हेलो के साथ यहाँ पर जावा प्रिंट हो गया या. ओके तो नेक्स्ट मेथड हम बात करेंगे इंसर्ट मेथड की. सो इंसर्ट मेथड ये भी स्ट्रिंग बफर क्लास का ही मेथड है. सो इंसर्ट मेथड का यूज़ क्या है. ओके सो जैसा कि नाम है इंसर्ट मेथड का कि कुछ इंसर्ट करना, आपको यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, इंडेक्स नंबर, उस इंडेक्स पर कौन सी स्ट्रिंग आपको इंसर्ट करवानी है. जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ओके उसके अंदर आपने कुछ वैल्यू पुट की. अब यहाँ पर आप चाहते हो कि वन नंबर इंडेक्स पर ये वाली जो स्ट्रिंग है ये आ जाए. ओके सो अब ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज होगा बिकॉज यू आर डूइंग वर्क विद स्ट्रिंग बफर. एस बी को जब आपने प्रिंट किया स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को, सो यू कैन सी हेयर, आपको पता है ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और आपने वन नंबर इंडेक्स पर बोला कि हाँ जावा प्रिंट हो जाए. सो ये वन नंबर इंडेक्स से जावा प्रिंट हुई और जो बचा हुआ कंटेंट है वो उसके बाद में प्रिंट हुआ. ओके दिस इज़ डूइंग द वर्क ऑफ इंसर्शन. और अभी हम देखते हैं यहाँ पर रीप्लेस मेथड. ओके सो पहले सारे मेथड हम कंप्लीट कर लें फिर इन सबको हम प्रैक्टिकली करेंगे. ठीक है, रीप्लेस मेथड ये भी स्ट्रिंग बफर क्लास का ही मेथड है. ये मेथड यूज़ होता है, जैसे नाम है इसका रीप्लेस, तो ऑब्वियसली कुछ रीप्लेस करने के लिए ही इसका यूज़ होगा. रीप्लेस द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिगिन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स. बिगिन और एंड इंडेक्स से क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग का इंडेक्स देना पड़ेगा और एंड का इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, रिप्लेस मेथड को कॉल किया स्ट्रिंग बफर के मेथड को. मैंने स्टार्टिंग का इंडेक्स दिया और एंड का इंडेक्स दिया कि इंडेक्स नंबर वन एंड टू. ओके दोनों रिप्लेस हो जाएं इससे जावा से. सो आप यहाँ पर खुद देखें कि ये मेरा ज़ीरो नंबर इंडेक्स है, उसके बाद मेरा वन नंबर इंडेक्स है और ये मेरा टू इंडेक्स है. ठीक है, तो अब आप देखो कि ये दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए. ठीक है, यहाँ पे आ गया जावा. ओके इंडेक्सिंग बढ़ गई और लास्ट के एल ओ यहाँ पर प्रिंट हो गया. ओके बस रिप्लेस करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं. ओके सो अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिलीट मेथड की, जो कि स्ट्रिंग बफर क्लास का मेथड है. ये मेथड यूज़ होता है डिलीट करने के लिए. ओके इसमें भी आपको स्पेसिफाई करने पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको डिलीट करना है. स्टार्टिंग का इंडेक्स देना पड़ेगा और एंडिंग का इंडेक्स देना पड़ेगा. जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ओके कुछ कंटेंट दिया उसके अंदर आपने. अब आप चाहते हो कि इंडेक्स नंबर वन और टू दोनों के दोनों डिलीट हो जाएं. ओके सो ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है. ओके तो यहाँ पर ज़ीरो, वन, टू, थ्री और फोर, ये इंडेक्सिंग है आपकी. ठीक है, अब आपने बोला वन और टू इंडेक्स प्रिंट हो जाए. जैसे आपको पता है कि ये एक कम लेगा. ठीक है, अब ये इससे पहले का नंबर है टू, यहाँ तक डिलीट करेगा. ओके सो वी वॉन्ट दैट कि ये दोनों है जो इंडेक्स नंबर ई और एल, ये दोनों डिलीट हो जाए. तो एज ए आउटपुट व्हाट यू वांट, यू वांट दिस. सो ये आपके प्रिंट हो जाएगा एज ए ओरिजिनल स्ट्रिंग. ओके सो अब बात करेंगे हम रिवर्स मेथड की. सो रिवर्स मेथड जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है. जो भी आपकी स्ट्रिंग है करंट स्ट्रिंग, उसको ये रिवर्स करके एज ए आउटपुट आपको शो कर देगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग हेयर, रिवर्स मेथड को कॉल किया आपने और आप क्या चाहते हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है ये है आपकी स्ट्रिंग, रिवर्स किया तो ये ऐसे स्ट्रिंग आपको प्रिंट हो जाएगी.
ओके सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रिवर्स मेथड. अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेट कैर एट मेथड की. ओके सो यहाँ पर आपको दो इंडेक्स देने पड़ते हैं. फर्स्ट इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि इंडेक्स वैल्यू देनी है, और सेकेंड आप दे सकते हो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का इंडेक्स. ओके सो एक मेथड अभी आपने किया था इंसर्ट मेथड. ओके और आप दूसरा ये कर रहे हो सेट कैर एट मेथड. इंसर्ट मेथड में आप इंसर्ट कर रहे थे स्ट्रिंग, यहाँ पर आप सेट करना चाहते हो कैरेक्टर ना कि स्ट्रिंग. ओके सो दोनों में ये डिफरेंस याद रखना. ओके अब जो सेट कैर एट मेथड है ये स्ट्रिंग बफर क्लास का मेथड है. इसको हम यूज़ करते हैं टू सेट द स्पेसिफाइड कैरेक्टर एट द गिवन इंडेक्स. जो भी इंडेक्स नंबर आप यहाँ पर दोगे उस इंडेक्स पर आप ये वाला कैरेक्टर सेट करना चाहते हो, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है. ये सेट कैर एट इस टाइप से आपको लिखना है, इंडेक्स वैल्यू देनी है, किस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर सेट करना चाहते हो. सो इस मेथड को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके तो अभी हम बात करते हैं सेट लेंथ मेथड की. ओके सो यहाँ पर हम लेंथ को सेट करते हैं. ओके सो इंटीजर वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है. इसको एक बार देखते हैं सेट लेंथ मेथड को. इसका आर्ग्यूमेंट होगा, जो पैरामीटर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा. ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग बफर क्लास में यूज़ होता है. ओके द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर सिक्वेंस बिकम्स टू स्पेसिफाइड न्यू लेंथ. मेन यूज़ इसका हम प्रैक्टिकली देखेंगे. सो सिंटेक्स है इसका. ओके सो यहाँ पर इंटीजर टाइप में आपको वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी एज ए आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर इंटीजर टाइप. सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. अभी तक जितने मेथड हमने किए स्ट्रिंग बफर क्लास के उनको प्रैक्टिकली देखते हैं. सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाली, ठीक है. अब मैं सबसे पहले अपेंड मेथड को कॉल कर रही हूँ, ठीक है. अपेंड मेथड को कॉल किया. अपेंड मेथड का वर्क क्या है कि कॉन्कैट करना, ठीक है. अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस चाहती हूँ मेरी स्ट्रिंग के अंदर, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस हो जाएंगे. ओके सो जैसे मैंने sb.append किया. ओके अरोरा मैं चाहती हूँ अपेंड हो जाए. सो एज ए आउटपुट यू कैन सी हेयर व्हाट इज़ अवर आउटपुट. ओके अब इट्स नेक्स्ट मेथड देखते हैं. मैं यहाँ पर कैरेक्टर को सेट करना चाहती हूँ. ओके सो आप एक चीज़ देखना इंसर्ट मेथड में और इस मेथड के अंदर, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कैरेक्टर को सेट किया है वन नंबर इंडेक्स पे, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को इंसर्ट कर रही हूँ. ओके सो दोनों का आउटपुट देखेंगे. यहाँ पर मैं यहाँ पर कैपिटल ओ कर रही हूँ. यहाँ पर मेरे पास क्या था ओरिजिनल स्ट्रिंग में, स्मॉल ओ था. हेयर आई वॉन्ट वॉट कैपिटल ओ. अब आप देखो कि इसके बाद जितनी बार भी ये नेम आ रहा है तो सब में वो चेंजेस आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग बफर है तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज हो गया. ओके कैपिटल ओ हो गया, चेंज कहाँ पर, वन नंबर इंडेक्स पे. और नेक्स्ट मैं क्या चाहती हूँ कि एट नंबर इंडेक्स पे आ जाए ये जो स्ट्रिंग है जावा. ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट्थ नंबर इंडेक्स. ओके सो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया जावा. ओके फिर मैंने यूज़ किया डिलीट मेथड. आई जस्ट वॉन्ट कि एट से लेके इलेवन नंबर इंडेक्स है, यानी कि एट टू टेन, क्योंकि एक कम लेता है ये. ओके सो एट नाइन टेन इंडेक्स डिलीट हो जाए. ओके तो एट नाइन टेन. ओके सो ये डिलीट हो गया यहाँ पर. ओके सो एट नाइन टेन जे ए वी डिलीट हुआ है. ओके ए यहाँ पर आपको एज ए आउटपुट दिख गया. ओके सो अगली बार मैंने क्या किया, सेट लेंथ मेथड का यूज़ किया. मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ. जैसा कि आपको पता है इट इज़ अ म्यूटेबल, चेंजेस पॉसिबल हैं. सो मैंने इसके इंडेक्स जो लेंथ थी वो क्या कर दी, फाइव. तो आपको फाइव तक इंडेक्स यहाँ पर दिखा. ओके सो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिवर्स करूँ. अब आपको पता है ये म्यूटेबल है तो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही चेंज हो गया, अभी मैंने चेंजेस किए. ओके सो अब मैं यहाँ पर रिवर्स करना चाहती हूँ तो मेरी ये वाली स्ट्रिंग आपको रिवर्स होके शो हो जाएगी एज ए आउटपुट. ओके सो ये सारे यूजेस थे जितने भी मेथड्स हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के आपकी बुक के अंदर. सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर. ओके सो इसके बाद हम इसी चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे. ओके सो आई होप गाइस यू पीपल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. थैंक यू सो मच.